हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसकी हमारा जो नंबर है वो है 114। ठीक है, इसमें आज हम एम और डी की जो साउंड को पहचानेंगे और उसको करेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, डू यू लाइक टू सिंग राइम्स? लेट्स सिंग दैम टुगेदर टूडे। क्या आपको क्या राइम्स अच्छी लगती हैं? तो आप भी क्या है हमारे साथ राइम्स कीजिए। जब आप ये बेटा सुन रहे हैं तो आप भी इसको पढ़िए। एम, ठीक है, जो हम ये वाला हमारा एम होता है ये कैपिटल एम होता है, ये जो हमारा होता है ये हमारा स्मॉल एम होता है। ठीक है, डू यू नो द मफिन मैन? एम मफिन मैन, ही इज़ प्लेइंग विद द माउस एंड लव्स टू सिट ऑन अ मैट इन हिज हाउस। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे जो हमारे मफिन मैन, ये किससे शुरू होता है? इस ये एम लेटर से शुरू हो रहा है सारे, जैसे मैट हो गया, माउस हो गया, मफिन हो गया। ठीक है, तो क्या है, लेट्स रीड अ फ्यू वर्ड्स अलाउड। मफिन मैन, माउस, मैट, डू यू नोटिस दैट दे आर ऑल स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ द लेटर एम? तो क्या है, आपने ये नोटिस किया कि ये जो सारे साउंड है ये एम, जो एम लेटर से शुरू हो रहे हैं? हाँ, हमने क्या है नोटिस किया। अब क्या है, डिड डी, ये आपका कैपिटल लेटर होता है और ये आपका स्मॉल लेटर डी होता है। अब हम राइम पढ़ते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, माई डॉल लॉक सो ग्लम, प्लीज़ कम फास्ट, माई डॉल हर्ट हर थंब, प्लीज़ रिंग द डोर बेल वैन यू कम। ठीक है, ये लड़की जो है एक अपनी डॉल के बारे में बता रही है। ठीक है, तो आपने नोट, तो हम क्या है, नाउ से लाउड डॉक्टर डॉल डोर। क्या आपने नोटिस किया कि जो सारे वर्ड, ये जो सारे हमारे वर्ड्स हैं ये कैसे शुरू हो रहे हैं? हमारे डी लेटर से। ठीक है, अब क्या है, रीड द पिक्चर बिलो एंड फाइंड द फर्स्ट साउंड इन दियर नेम्स। अब क्या है, एम, एम से क्या हमारा मिरर, मिरर क्या है, जिसमें आप हम अपनी क्या है शक्ल देखते हैं, तैयार होते हैं, उसको मिरर बोलते हैं। ये भी क्या है, एम लेटर से शुरू होता है। हमारा मिल्क, हमारा दूध जो बोलते हैं मिल्क, ये भी हमारा क्या है, एम लेटर से शुरू होता है। और हमें मिल्क हमेशा पीना चाहिए क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है। मास्क, जो आजकल हमें मास्क, एम से शुरू हो रहा है। मास्क जो हम क्या है COVID-19 से हमें बचाता है, पॉल्यूशन से हमें बचाता है। ठीक है, हमें इसको वियर करना चाहिए। मंकी, जिसे हम बंदर बोलते हैं, ये भी क्या है, सारे ये एम लेटर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही डी लेटर से ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, जैसे टिड्ढा भी बोलते हैं हम, जो आपने बीच में सुना था कि ड्रैगन फ्लाई बहुत आ गई हैं किसानों को, जो फसल को क्या है बेकार कर रही हैं, ये ड्रैगन फ्लाई होती है। ड्रेस, ये भी डी से शुरू हो रही है लेटर से, ड्रेस जो आप पहनते हैं। डोनट, ये जो आपका खाने का होता है। और ड डक, ये सारे क्या है डी लेटर से ये बेटा शुरू हो रहे हैं। अब क्या है, नाउ प्रैक्टिस एंड राइटिंग द लेटर्स इन योर नोटबुक। अब आपको क्या डी है अपनी नोटबुक में लिखना है। आप ये ध्यान रखें कि कौन से लेटर से बनता है, ये कितनी लाइनों में बनता है, इसको आप बेटा जब बनाते वक्त ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एम कौन से में बनाना है, ये भी आपको नीचे वाली जो लाइन होती है छोड़नी पड़ती है। अब क्या है कि रीड द पिक्चर गिवन बिलो एंड सर्कल द पिक्चर स्टार्टिंग विद डी। अब जो डी से शुरू होता है उसको आपको सर्कल करना है, और जो आपका साउंड एम से शुरू होती है उसको आप क्रॉस करना है। जैसे ये क्या है, मून, किससे शुरू हो रहा है आपका, एम से, तो आपको क्या है क्रॉस करना है, क्रॉस। ये क्या है डॉग, ये किससे शुरू हो रहा है, डी से, तो आपको क्या है सर्कल करना है, हमने सर्कल कर दिया। ये आपका क्या है मशरूम, ये किससे शुरू हो रही है आपके, एम से, तो आपको क्या है क्रॉस करना है। ये ड्रम किससे शुरू हो रहा है आपका, डी से, तो आपको सर्कल करना है। ये मैंगो, जो आप फ्रूट होता है जो आप खाते हैं, इसको क्या है एम से शुरू हो रहा है, इसको आपको ग्रीन से सर्कल करना है। ये है डस्टबिन, किससे शुरू हो रहा है अब, डी से, तो आपको सर्कल करना है। तो ये बच्चों हमने क्या है सर्कल कर दिया है। ठीक है, तो आप भी क्या है, ये मून है, ये डॉग, मशरूम, ड्रम, मैंगो एंड डस्टबिन। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, और आपकी अपनी दिनचर्या के बारे में, दिनचर्या मतलब आप पूरे दिन में क्या करते हैं, किस तरीके से आप अपना टाइम जो है यूटिलाइज करते हैं, उसको दिनचर्या बोलते हैं। जैसे टाइम टेबल हो गया, आपको टाइम टेबल से आपको पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल से खेलना चाहिए, दिनचर्या। और ये भी हो सकता है कि आप पूरा दिन कहाँ कहाँ व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो अच्छी लगी होगी, आई होप कि लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और COVID-19 से बच के रहिए। मास्क का यूज़ करें, 2 गज दूरी का ध्यान रखें, और अपने हाथों को क्या है साबुन से और सैनिटाइज से सैनिटाइज करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।